हेलो, आज का हमारा टॉपिक है विश्व के मरुस्थल। ठीक है, देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है और यहाँ से यूराल पर्वत आता है, यूराल पर्वत से इधर यूरोप पड़ता है और ये इधर एशिया पड़ता है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल पड़ते हैं, ये जो ब्लू कलर से हैं इस तरह से, जिसमें इस तरह से लाइनिंग बनी हुई है, वो शुष्क मरुस्थल है। और जो ब्लैक कलर वाले हैं, ये जो ब्लैक कलर वाले हैं, ठीक है, ये इस तरह से ये शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल मतलब देखिए शीत मरुस्थल ठंडे मरुस्थल। ठीक है, अब सबसे पहले देखें उत्तरी अमेरिका का फर्स्ट जो मरुस्थल है वो मोजेब मरुस्थल है। फिर ये जो दूसरा मरुस्थल है सोनोराम मरुस्थल है। यानी कि उत्तरी अमेरिका में दो मरुस्थल पड़ते हैं, मोजेब मरुस्थल और सोनोराम मरुस्थल। ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा है और ये हमारी मकर रेखा है। तो कर्क रेखा किस किस मरुस्थल से होकर जाती है? सोनोराम मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से, और ये हो गए हमारे सऊदी अरब के मरुस्थल रूब अल खली और अन्नफूत से और थार मरुस्थल से। यानी कि कर्क रेखा चार मरुस्थलों से होकर गुजरती है, सोनोराम, सहारा मरुस्थल और रूब अल खली मरुस्थल, अन्नफूत मरुस्थल और थार मरुस्थल। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में दो मरुस्थल। अब देखते हैं दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका का ये है अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, ये दो देशों में पड़ता है, चिली और इक्वेडोर दो देशों में पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है। ये पैटागोनिया मरुस्थल, ये अर्जेंटीना में पड़ता है, पैटागोनिया मरुस्थल, ये शीत मरुस्थल है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सहारा मरुस्थल, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और अफ्रीका का मरुस्थल है। फिर ये हो गया कालाहारी मरुस्थल, ये भी अफ्रीका का मरुस्थल है। और उसके नीचे हो गया नामिब मरुस्थल, ये भी अफ्रीका का मरुस्थल है। अब आप देखें मकर रेखा, मकर रेखा किस किस मरुस्थल से होकर गुजरती है? अटाकामा मरुस्थल से होकर गुजरती है और नामिब मरुस्थल से होकर गुजरती है, फिर ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों से होकर गुजरती है। अब देखें आप, ये हो गया ये वाला पोर्शन, ये सऊदी अरब का पोर्शन हो गया। ठीक है, ये वाला, अब सऊदी अरब के दो मरुस्थल हैं, रूब अल खली सऊदी अरब का मरुस्थल है और अन्नफूद ये भी सऊदी अरब का मरुस्थल है। उसके बाद ये एरिया हो गया ईरान का, ये हो गया ईरान। ईरान में दो मरुस्थल हैं, दस्ते लूत मरुस्थल ईरान का है, दस्ते कबीर मरुस्थल भी ईरान का है। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, ये इनमें से भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया भारत का मरुस्थल थार मरुस्थल। ठीक है, और ये हो गया टकला मकान, ये है चीन का मरुस्थल, चीन का मरुस्थल। उसके बाद गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल इम्पोर्टेंट है, पूछता है, मोस्टली पूछता है, ये मंगोलिया का मरुस्थल है। उसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें बहुत सारे मरुस्थल हैं। इनको हमने सबको एक ही जगह शो करा दिया है, अलग अलग इनके नाम हैं, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और इन मरुस्थलों से मकर रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपके सारे मरुस्थल हो गए, पूरे विश्व के मरुस्थल। अब आपको ये मैप देखना है और अच्छे से अपनी चीज़ें तैयार कर लेनी है। थैंक यू।